स्टूडेंट्स बीएससी सेकंड ईयर यूनिट थर्ड पेपर सेकंड। तो आज की क्लास में हम यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे आपकी। ठीक है, यूनिट थर्ड में आपके दो चैप्टर हैं। पहले चैप्टर का नाम है समघाती रैखिक अवकल समीकरण और दूसरे चैप्टर का नाम है युगपत अवकल समीकरण। ओके, तो देखो कि हमारे पास क्या है, यूनिट थर्ड है। यूनिट इसमें कितने चैप्टर हैं? दो चैप्टर हैं, चैप्टर फोर और चैप्टर फाइव। चैप्टर सेवन और चैप्टर टेन की एक थ्योरी। तो ये है आपका, वन मिनट एक मिनट constant
and q of x is the function of x is the function of x. So we said to be homogeneous linear differential equation. Linear differential equation. Not curve is definition. So सबने यहां तक देखो आगे तो ये हो गई हमारी समघाती रैखिक अवकल समीकरण की परिभाषा। करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगी। तो देखो वैसे आप लोगों को समझ में अच्छे से आएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन में जैसे जैसे जो जो टाइप्स हैं वो टाइप्स हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो कुछ फॉर्मूलाज भी हैं इसमें, वो मैं आपको क्वेश्चंस के साथ ही नोट करवा दूंगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखो इसमें x cube d3y upon dx cube minus 3x square d2y upon dx square plus 6x dy upon dx equal to log ex का whole square। अब आप लोग कैसे पहचान करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है? तो सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है, नाम देखो, चैप्टर का नाम क्या है, समघाती रैखिक अवकल समीकरण होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनको आइडेंटिफाई करने का, उनको पता करने का कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इस तरह देखोगे यहां जितना x है वहां इतना होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये यूनिट सेकंड चैप्टर फोर्थ का आपका है क्वेश्चन, और नहीं है तो ये किसी और चैप्टर का है। देखो x square x x, क्लियर सबको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, पता लगाना है, जितने x ऊपर है उतने ही नीचे होने चाहिए। यहां भी x square x square x x,
बराबर है तो मतलब ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? फोर्थ चैप्टर का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम किस अब ये हमें ये पता लग गया कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। अब इसे हल कैसे करना है, इसे सॉल्व कैसे करना है वो देखो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सॉल्यूशन। तो देखो किस तरह से करना है, आपको एक मानना है, माना कि z इक्वल टू, और जो z इक्वल टू क्या मानोगे आप, log e x। क्या मानोगे, z इक्वल टू log e x। ये आपका जो मेन है वो ये है कि आपको यहाँ क्या करना है, z इक्वल टू पुट करना है। ध्यान रखना सारे मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको आंख बंद करके, चाहे यहाँ कुछ भी हो, चाहे यहाँ x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, z बराबर इक्वेशन लिखनी है, z बराबर log e x। ओके आगे लिखेंगे, अतः यहां से क्या करा, log को हटाया, और log को हटाने के लिए क्या करेंगे, e की पावर लगाएंगे। तो e की पावर z इक्वल टू e की पावर log x। e और log एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं, सो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। तो यहाँ पर e की पावर z बराबर क्या आ गया, जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें मोस्टली हमें यही मानना है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन है जिनमें हम यहाँ अलग मानेंगे, नहीं तो सारे क्वेश्चन में हमें यही पुट करना है, z बराबर log e x। तो यहाँ से हमने क्या किया, log को हटाया, और log कब हटेगा, जब हम e की पावर में रखेंगे, तो e की पावर, तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया, e की पावर z आ गया, ठीक है। एक चीज तो थी ये समझने की, अब सेकंड और क्या चेंज करना है, देखो यहाँ कितना है d3, अगर एक d है तो हमें एक d लिखना है, दो है तो हमें d d माइनस वन लिखना है, तीन है तो हमें d d माइनस वन d माइनस टू लिखना है, अगर यहाँ फोर है तो हमें d d माइनस वन d माइनस टू d माइनस थ्री लिखना है। ये आपके फॉर्मूला है इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। समझ आ गया सबको कि चैप्टर फोर्थ का हमें कैसे पता लगेगा, ये और ये दोनों अगर इक्वल है सारी टर्म्स में, मतलब ये क्वेश्चन किसका है, फोर्थ चैप्टर का है। सबसे पहले क्या मानना है, z बराबर log e x, log को हटाओ ये आ गया। इसके बाद कितनी पावर है, तीन पावर है, तो तीन पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, ये दो पावर का और एक पावर का। तो इस तरह से आपको इन वैल्यूज को यहाँ पर क्वेश्चन में पुट करना है। तो लिखो यहाँ पर कितनी है, तीन पावर है तो तीन बार लिखोगे, और जो x है वो सब कुछ हट जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर देखो x, x स्क्वायर, x cube, x की पावर 4, इनका फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला करके साइड में लिख लेना, ठीक है। ये आपके है फॉर्मूला। तो देखो x cube d cube y upon d x cube को हम क्या लिख सकते हैं, d d minus 1 और d minus का 2, y माइनस का 3, कितनी बार है, दो बार है, तो दो बार का लिखते हैं d d माइनस 1 प्लस का 6, x का मतलब d इक्वल टू। अब हमने क्या किया, दो पावर है तो दो बार, एक पावर है तो एक बार, हमने यहां पर इसको नॉट कर दिया, y ऐसे ही है हमारा। इसके बाद क्या है, log e की पावर x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो log e की पावर x का मान z है, जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो z का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है, नॉट करो यहाँ तक। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो y है इसे कॉमन ले लेंगे, ओके नॉट करो।
अब देखो यहाँ से क्या करेंगे हम y को कॉमन ले लेंगे, डी डी माइनस वन, डी माइनस टू, माइनस थ्री डी डी माइनस वन प्लस का सिक्स डी y इक्वल टू जेड स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे अब इनको हम, तो आंसर जाएगा देखो इनका मल्टीप्लाई करो डी क्यूब माइनस का सिक्स डी स्क्वायर प्लस का ग्यारह डी वाई इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एक इक्वेशन आ गया। क्लियर इतना। अब जो यहां पर ये डी है, ये डी किसका मान है, डी अपॉन डी जेड का मान है, क्योंकि यहाँ जेड का फंक्शन है तो ये डी भी किस में होगा, जेड में होगा। इतना क्लियर। अब हम क्या करेंगे, सी एफ निकालेंगे, पी आई निकालेंगे जैसे हमने थर्ड चैप्टर में किया था, और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखो सी एफ, और सी एफ निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले सहायक समीकरण, सहायक समीकरण मीन्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी इसकी, डी को किस में चेंज कर देंगे, एम में, एम क्यूब सिक्स एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर ग्यारह एम इक्वल टू जीरो। एम क्या आ गया कॉमन, क्या बचा एम स्क्वायर माइनस सिक्स एम प्लस का ग्यारह इक्वल टू जीरो। इसके फैक्टर करो, गुणनखंड करके बताओ क्या आएगा यहां से। देखो ग्यारह छह और पांच, तो इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते, तो किससे निकालेंगे, श्री धराचार्य से। एम का एक मान किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, और दूसरा मान क्या हो जाएगा माइनस का बी, फॉर्मूला पुट करो सिक्स प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा सिक्स प्लस माइनस माइनस का आठ अपॉन टू। ठीक है, सिक्स प्लस माइनस, यहां से माइनस के अंडर रूट का मान होता है आयोटा, और आठ को मैंने चार इंटू दो में तोड़ दिया। देखो रूट आठ क्या होता है, चार इंटू दो, तो चार का अंडर रूट कितना हो जाएगा दो, तो आंसर क्या आएगा दो रूट दो अपॉन दो। तो एम के कितने मान आ गए यहां से, तीन प्लस माइनस आई टू रूट टू आयोटा। ठीक है, तो एम के हमारे पास कितने मान आ गए, तीन मान आ गए, एक हो गया जीरो, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। अब इनको हम क्या करेंगे, टी की पावर में पुट कर देंगे एम की वैल्यूज को। लेकिन यहां याद रखना, अब जो एक्स है वो किसमें चेंज हो गया, जेड में चेंज हो गया है। ठीक है, अब यहां एक्स ना लिख के हम क्या लिखेंगे, जेड।
देते। जब हम डी इसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, डी डी माइनस वन डी माइनस टू, ठीक है। तो ये डी किस में चेंज हो जाता है, डी अपॉन डी जेड में। अब ये एक्स का फंक्शन ना हो कि किसका फंक्शन है, जेड का। तो अब हम सी एफ लिखेंगे यहां से कि इसका सी एफ का मान क्या आएगा, वो देखो। एम के तीन मान है, ठीक है, और तीनों मान क्या है, एक मान तो जीरो हो गया, एक अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा में हो गया। तो हमको पता है कि किस तरह से नोट करेंगे हम, देखो सी एफ बराबर सी वन ई की पावर जीरो जेड प्लस सी टू ई की पावर थ्री प्लस रूट टू आयोटा जेड प्लस सी थ्री ई की पावर थ्री प्लस रूट टू आयोटा जेड। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, और आप कैसे लिख सकते हो, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की तरह, मतलब सी टू प्लस, इसका मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था, सी टू e की पावर थ्री जेड e की पावर अल्फा सी टू कॉस रूट टू जेड प्लस सी थ्री साइन रूट टू जेड। आप इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो, दोनों आंसर आपके क्या है, सही है। ओके, कंफ्यूज मत होना, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा का फॉर्मूला ये भी होता है और इस तरह से भी हम इसे नोट कर सकते हैं। आप किसी भी तरह से लिखो, इसमें कोई भी गलत नहीं होगा। समीकरण नंबर एक, अब हम क्या निकालेंगे यहां से, एक मिनट इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन किसमें है, एक्स में और वाई में, तो आंसर भी किसमें चाहिए, एक्स में और वाई में चाहिए। मतलब देखो, इसको थोड़ा सा जैसा हम पहले करते आए ना तीसरे चैप्टर की तरह, उसी तरह से करो इसे, यहाँ पे इस तरह से करना है जैसे हमने चैप्टर में किया है ना, उसी तरह से। प्लस ई की पावर थ्री जेड सी टू ई की पावर सी टू कॉस रूट टू जेड प्लस सी थ्री साइन रूट टू जेड। ओके, जिस तरह से हमने इसको पहले सॉल्व किया था उसी तरह से इसको हम अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो, जेड का मान रखने पर, जेड का मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ जेड, द वैल्यू ऑफ जेड, और जेड किसके बराबर है, लॉग एक्स के बराबर माना था। तो सी एफ क्या आ जाएगा, सी वन ई की पावर जीरो का मान तो देखो वन होता है, तो यहां से तो जेड हट जाएगा, प्लस ई की पावर थ्री जेड सी टू कॉस रूट टू लॉग एक्स प्लस सी थ्री साइन रूट टू लॉग एक्स। समीकरण नंबर एक, तो हमारे सी एफ का मान हमने एक्स में निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, पी आई का मान निकालेंगे। तो देखो पी आई बराबर इस तरह से लिखते हैं, वन अपॉन में क्या आया तुम्हारा, डी क्यू माइनस सिक्स डी स्क्वायर प्लस का ग्यारह डी, और यहां क्या था, जेड स्क्वायर। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो इनमें से कॉमन पार्ट क्या है, डी कॉमन है, तो डी कॉमन ले लो, क्या बचेगा, डी स्क्वायर माइनस का सिक्स डी प्लस का ग्यारह जेड स्क्वायर। अब क्वेश्चन कौन से मेथड पे, क्या थर्ड चैप्टर पे जाओ, थर्ड चैप्टर में क्वेश्चन कौन से मेथड पे है, देखो यहाँ जो ये डी है ये किसके बराबर है, डी अपॉन डी जेड के, मतलब ये जेड का फंक्शन है, ये भी जेड का है,
मतलब वहां तीसरे चैप्टर में ये डी एक्स का था तो यहाँ भी एक्स था, मतलब कौन से फॉर्मूले से सॉल्व होगा, एक्स की पावर एम वाले से। एक्स की पावर एम का जो फॉर्मूला था किस तरह सॉल्व करते थे, उसमें हम कॉमन ले लेते थे और कॉमन क्या आता था हमारा, जो कॉन्स्टेंट होता था। कॉन्स्टेंट क्या है यहाँ पर, 11। तो यहाँ से 11 को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, 1/11 डी, और 11 कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस का 6d/11 जेड स्क्वायर इक्वल टू, फिर क्या करते हैं 11d, इसको ऊपर लेके जाएंगे, 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 6d/11 की पावर माइनस 1 जेड स्क्वायर। नोट करो यहां तक इसे, तो यहां तक नोट करो, फिर इससे आगे सॉल्व करेंगे हम इसे। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जैसे हम थर्ड चैप्टर में करते थे। अगर आप लोगों ने थर्ड चैप्टर नहीं पढ़ा तो ये वीडियो आप लोगों की समझ में नहीं आएगी। ओके, जल्दी से नोट करो यहाँ तक। तो देखो अब आगे, d स्क्वायर माइनस 6d/11 प्लस d स्क्वायर
स्क्वायर माइनस सिक्स डी अपॉन इलेवन का होल स्क्वायर माइनस इस तरह से और जेड स्क्वायर, ठीक है, वन अपॉन ग्यारह डी वन माइनस डी स्क्वायर अपॉन ग्यारह सिक्स डी अपॉन ग्यारह प्लस होल स्क्वायर अपॉन करो इसका डी की पावर फोर अपॉन एक सौ इक्कीस प्लस थर्टी सिक्स डी स्क्वायर अपॉन एक सौ इक्कीस माइनस अपॉन एक सौ इक्कीस और सारी टर्म्स एज इट इज जेड स्क्वायर। इसके बाद मैंने क्या किया, जो ये डी है इसका अंदर गुणा कर दिया तो वन अपॉन क्या रहा वन अपॉन डी माइनस डी अपॉन इलेवन प्लस सिक्स अपॉन इलेवन प्लस डी क्यूब अपॉन एक सौ इक्कीस प्लस छत्तीस डी अपॉन एक सौ इक्कीस माइनस बारह डी अपॉन एक सौ इक्कीस जेड स्क्वायर। अब आगे देखो इसे, अब हमें यहां क्या करना है कि अगर d ऊपर है तो डिफरेंशिएशन, नीचे है तो इंटीग्रेशन। तो देखो वन अपॉन ग्यारह वन अपॉन डी जेड स्क्वायर डी अपॉन इलेवन जेड स्क्वायर प्लस सिक्स अपॉन ग्यारह जेड स्क्वायर डी क्यूब अपॉन एक सौ इक्कीस जेड स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स अपॉन एक सौ इक्कीस डी जेड स्क्वायर माइनस बारह अपॉन एक सौ इक्कीस डी स्क्वायर जेड स्क्वायर, क्लियर, वन अपॉन ग्यारह। तो डी कहाँ है, नीचे है, नीचे का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। तो जेड स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा जेड क्यूब बाय थ्री माइनस वन अपॉन ग्यारह। डी कहाँ है ऊपर और कितनी बार है एक बार, ऊपर का मतलब डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन, तो जेड स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा टू जेड, ठीक है, प्लस सिक्स अपॉन ग्यारह जेड स्क्वायर प्लस कितनी बार अवकलन करना है तीन बार, ऊपर है इसलिए अवकलन डिफरेंशिएशन करना है तो जेड स्क्वायर का एक बार अवकलन करेंगे तो टू जेड, दूसरी बार करेंगे तो टू और तीसरी बार करेंगे तो जीरो, इस वाले टर्म्स की वैल्यू हो गई जीरो प्लस थर्टी सिक्स अपॉन वन टू वन। डी कहाँ है ऊपर है, ऊपर का मतलब डिफरेंशिएशन अवकलन, जेड स्क्वायर का एक बार अवकलन करना है टू जेड माइनस एक सौ बारह अपॉन एक सौ इक्कीस डी स्क्वायर जेड स्क्वायर। डी ऊपर है मतलब डिफरेंशिएशन कितनी बार दो बार अवकलन, एक बार किया जेड स्क्वायर का तो टू जेड और दूसरी बार करेंगे तो टू, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा टू से, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा पी फाइव, नोट करो इसे, समीकरण नंबर दो। क्या निकालना है व्यापक हल,
व्यापक हल मतलब जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? CF प्लस PI। CF का मान रखो C1 प्लस E की पावर log की पावर 3 z, z का मान 3 log x, C2 cos root 2 log x प्लस C3 साइन रूट 2 log x। ये तो हो गया CF का मान। प्लस PI का मान रखो 1/33 प्लस का साइन है, प्लस के आगे लिखना है log x का क्यूब प्लस 18/11 log x का होल स्क्वायर 150/121 log x प्लस का 504/1331। ठीक है, ये है हमारा इस क्वेश्चन का